उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में डबल मर्डर मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बालेश जोशी तांत्रिक है। उसी ने उबेश्वर के जंगल में युवक युवती पर चाकू और पत्थरों से वार कर मर्डर कर दिया। तांत्रिक भोपे को इस बात का डर था कि युवती कहीं उनके रिलेशनशिप को सबके सामने पता नहीं दे। युवती और उसका दोस्त राहुल बार बार उसे इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। एसपी विकास शर्मा आज शाम तक पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं। पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज और कॉल लोकेशन के आधार पर बालेश को रविवार को डिटेन कर लिया था। बालेश ने पूछताछ में बताया कि 5 सालों से सोनू उसके संपर्क में थी, अक्सर वो मिलने आती थी, तभी दोनों के बीच दोस्ती हो गई। घटना के दिन भी मृतका सोनू और उसके दोस्त राहुल के साथ आरोपी बालेश बाइक पर घूमने गया। इसी दौरान बालेश दोनों को मारकर मौके से भाग गया। बालेश जोशी पूरे क्षेत्र में भोपे के रूप में जाना जाता है। दरअसल 8 नवंबर को गोगुंदा थाना क्षेत्र उबेश्वर जी के जंगल में दोनों शव न्यूड पड़े मिले थे। रोड से करीब 300 मीटर अंदर जंगल में शव पड़े देखकर लोगों ने सूचना दी थी। मौके पर दोनों की बॉडी न्यूड थी। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। युवती के शरीर पर भी चोट के निशान थे। एफएसएल की टीम ने माना था कि शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। युवक की पहचान राहुल मीणा और युवती की सोनू के रूप में हुई थी। युवक उदयपुर के अदवास के सरकारी स्कूल में टीचर था। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग लग रहा था। शव के पास ही कपड़े और जूते मिले थे। युवक के कपड़ों के नीचे मोबाइल भी दबा मिला था। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचकर जांच में जुट गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुंदन कुमारिया, गिरवा डिप्टी भूपेंद्र सिंह, जाडोल डिप्टी जितेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे थे। बता दें कि सोनू की शादी बरवाड़ा के पास मोजावतो की बागल में हुई थी। पति से नहीं बनने पर उसने घर छोड़ दिया था। उसने पति के खिलाफ भरण पोषण का मामला भी दर्ज करवा रखा है। वो अकेली बड़गांव में रह रही थी, जहाँ सिलाई का काम करती थी।